दिल्ली रोड स्थित निम्स विश्वविद्यालय के सीवी रमन सेमिनार हॉल में दीक्षांत समारोह 2019 का आयोजन किया गया। देखिए एक रिपोर्ट। निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान ने दीक्षांत समारोह 2019 का आयोजन किया। इसमें लगभग 150 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई, जिसमें 30 विदेशी विद्यार्थी भी शामिल हैं। सभी विदेशी विद्यार्थियों ने निम्स विश्वविद्यालय का, सभी शिक्षकों का और पेरेंट्स का आभार व्यक्त किया। We thank God for today. We thank God for the success of this day. Not just an undergraduate, I'm a graduate, I'm a master's graduate. I thank God for everything. My joy knows no bound. I'm really happy and I really thank God for bringing me to India. I thank God for how far He has brought me. I thank the school management. I thank my principal, sir. I thank my HOD and everybody. I'm so excited that today I'm done with my master's. Good afternoon, everyone. My name is Muhammad Kabir Usman, a student of BTech Computer Science and Engineering. Today is my convocation day. We just collected our degree from this prestigious university. I want to extend my gratitude to everyone, my teachers, my fathers, and also everyone who supported me in the course of my education. तो वहीं इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि निम्स विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर बी आर मीणा ने कहा कि आज समाज में वास्तविक रूप से शिक्षित युवाओं की जरूरत है। ये सच है कि मार्केट में बहुत कंपटीशन है, लेकिन टैलेंटेड युवाओं को रोजगार करने में व स्टार्टअप करने में कोई परेशानी नहीं आती। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलसचिव डॉक्टर संदीप त्रिपाठी ने बताया कि निम्स विश्वविद्यालय के सभी विदेशी छात्र अपने अपने देशों में जाकर हिंदुस्तान का व निम्स का नाम रोशन करेंगे। आज 30 जुलाई 2019 में निम्स विश्वविद्यालय में कन्वोकेशन का आयोजन किया गया। ये एक स्पेशल कन्वोकेशन था जिसमें करीब 27 कंट्री के स्टूडेंट्स इसको अटेंड किए, उनको डिग्री दी गई और 18-19 का उन्होंने अपना फाइनल ईयर कंप्लीट किया निम्स विश्वविद्यालय में। स्टूडेंट बहुत उत्साहित रहे, विश्वविद्यालय और टीचर की तरफ से ये प्रयास किया गया कि जो ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स होते हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो सकें, स्किल्स, एटीट्यूड और नॉलेज तीनों का मिश्रण उन्हें मिल सके, उनका संपूर्ण विकास संभव हो सके और परीक्षा उपरांत हर तरह के असेसमेंट्स में यही पाया गया कि बच्चे पूरी तरह से कुशल होकर विश्वविद्यालय से निकल रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं और ये अपने अपने देशों में जाके निश्चित रूप से निम्स यूनिवर्सिटी का नाम करेंगे। दीक्षांत समारोह में निम्स विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर सुनील शर्मा, डीन डॉक्टर चमन राम वर्मा ने भी सभी डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर फॉरेन शेल के प्रभारी विक्रम रहे। इस समारोह में सभी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मृदुला त्रिहन, डॉक्टर एसएस चौहान, डॉक्टर आरपी सिंह, डॉक्टर स्नेह व डॉक्टर सुनील पांडे मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर दुष्यंत सिंह चौहान ने किया। न्यूज इंडिया के लिए विनोद सोनी की रिपोर्ट।